होने लगी भैया। आज हम चर्चा करेंगे ईश्वर के विषय में। ईश्वर शब्द इस ऐश्वर्य धातु से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है ये इष्टे सर्वे सर्वान वर्तते स ईश्वर। जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त है वो कौन है? वो ईश्वर है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर को षड् ऐश्वर्य से संपन्न माना गया है, छह ऐश्वर्य से युक्त माना गया है न्याय दर्शन में ईश्वर को। तो वो छह ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? षड् ऐश्वर्य में छह गुण होते हैं। ज्ञान, जो ज्ञान से युक्त है, जो ज्ञान से संपन्न है, यश, श्री, आधिपत्य, वीर एवं वैराग्य, इन छह गुणों से जो युक्त है वो कौन है? वो ईश्वर है, ऐसा न्याय दर्शन कहता है। भारतीय दर्शनों में न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये चार जो दर्शन है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई एक सत्ता है जो संसार का संचालन करती है। मुख्य तीन रूप से हम ईश्वर की सत्ता की सिद्धि मान सकते हैं। पहला तो है सृष्टिकर्ता के रूप में, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा संसार किसने बनाया? तो ईश्वर ने बनाया। तो इस रूप से हम सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को मान सकते हैं। दूसरा है कर्म फलदाता के रूप में, जो मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका उसे परिणाम प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, तो उस कर्म फल के दाता के रूप में हम ईश्वर को मान सकते हैं। और तीसरा है वेदों के रचयिता के रूप में। वेद, जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ये अपौरुषेय हैं, पुरुष द्वारा रचित नहीं है, ईश्वर द्वारा ही रचित है, कृत है, इसलिए वेदों के रचयिता के रूप में भी हम ईश्वर को मान सकते हैं। इन तीन रूपों से हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है? तो यहां महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, क्लेश कर्म विपाका असयेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबसे जो रहित है वो पुरुष विशेष, पुरुष विशेष मतलब जितने पुरुष उनमें भी जो विशेष पुरुष है वो कौन है? तो कहा वो ईश्वर है। अब इसके एक एक की व्याख्या करेंगे। क्लेश, क्लेश क्या है? तो इसके विषय में कह रहे हैं, क्लेश नाति इति क्लेश, जो कष्ट देता है वह क्लेश कहलाता है। क्लेश पांच प्रकार के हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो जो इन सर महर्षि पतंजलि का स्वरूप बता दीजिए फिर से, प्रश्न बाद में होंगे, ठीक है, आफ्टर क्लास। तो यहां बता रहे हैं पांच प्रकार के क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो जो इन पांचों क्लेश से परे है, इन जो 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 पांच क्लेश जिसको युक्त जिससे युक्त नहीं है, जिसको जोड़ नहीं सकते, इसलिए तो कह रहे हैं क्लेश कर्म विपाक आशय आशय इन सबसे जो रहित है वो कौन है? पुरुष विशेष ईश्वर है। तो जो ईश्वर है वो इन पांच क्लेशों से भी रहित है, ये पांच क्लेश ईश्वर से जुड़े हुए नहीं है, ईश्वर से अलग है, इसलिए ईश्वर जो इन पांच क्लेशों से रहित है। कर्म, कर्म के विषय में कह रहे हैं, अविद्या आदि क्लेशों से प्रेरित होकर शरीर मन वाणी के द्वारा जो क्रिया करते हैं वो कर्म है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। तो अविद्या आदि क्लेशों से प्रेरित होकर, अविद्या आदि क्लेशों से व्यक्ति जो है जुड़ करके शरीर मन वाणी के द्वारा जो भी क्रिया करता है वो क्या है? कर्म है। तो कर्म तीन प्रकार के हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। तो ईश्वर जो है इन कर्म से भी परे है, कर्म भी ईश्वर को लिप्त नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते, क्लेश भी बांध नहीं सकते, कर्म भी बांध नहीं सकते। अब तीसरा है विपाक, कर्मों का फल, जो भी आप कर्म करते हैं, सुख रूपी कर्म करते हैं, दुख रूपी कर्म करते हैं, तो उनका आपको फल मिलता है, लेकिन ईश्वर उन कर्मों से भी, कर्मों के फल से भी परे है। इसलिए विपाक दो प्रकार के बताए गए, सुखात्मक और दुखात्मक। मनुष्य जो कर्म करेगा उसे उसे परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, सुख के रूप में, दुख के रूप में, लेकिन ईश्वर को उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए ईश्वर जो है क्लेश कर्म विपाक, क्लेशों से भी परे है, कर्मों से भी परे है, और विपाक कर्मों के फल से भी परे है। अब चौथा है आशय, कर्माशय होता है।
जिसमें सभी कर्म संचित होते हैं। कर्मों के सुख दुख रूपी फलों की वासना है, संस्कार वो आशा कहलाती है। जहां पर जो जो भी आप कर्म करेंगे तो उसके संस्कार जहां संचित होते हैं उसे आशय कहते हैं, कर्म आशय। कर्म के जो आशय हैं, जो संस्कार जहां संचित होते हैं उसे हम कर्माशय कह रहे हैं। तो ईश्वर जो है उन कर्माशय से भी परे है, इसलिए तो कहा इन्हीं क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित जो पुरुष विशेष है, सभी पुरुषों में जो विशेष पुरुष है वो कौन है, तो कहा वह ईश्वर है। ईश्वर की विशेषता, ईश्वर की विशेषता के विषय में बता रहे हैं, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्। वो ईश्वर कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, तो उसके विषय में बता रहे हैं, ईश्वर में इतना ज्ञान है कि उसके बराबर और उससे अधिक ज्ञान किसी में भी नहीं है, इसलिए तो ईश्वर है, सर्वज्ञ है। इसलिए कहा ना अतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्, पूर्ण ज्ञान से युक्त है वो ईश्वर और सर्वज्ञ भी है। लेकिन जो जीव होता है वो अल्पज्ञ होता है, और जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है। इसलिए तो कहा तत निरतिशयम् निहि अतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्, वो ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर की तुल्य न कोई दूसरा विद्वान हुआ है, न है और न कभी होगा। इसलिए कहा भी है स एष पुरुषम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्, ईश्वर जो है वो गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काल से कभी उसका नाश नहीं हो सकता। अब ईश्वर प्राप्ति का उपाय क्या क्या है, तो इसके विषय में कह रहे हैं तस्य वाचकः प्रणवः। जो ईश्वर का जो वाचक है वो क्या है, प्रणव है, ओम है, और उसका जप करना चाहिए। किस प्रकार, तो कह रहे हैं तजपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना के साथ उसका निरंतर जप करना चाहिए। तो ये भी एक उपाय है जिससे आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय क्या है, तो कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, आप अपने सभी कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर दीजिए, भक्ति विशेष, तो इससे भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। और इसका फल क्या होगा, यदि आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं तो इसका परिणाम आपको किस रूप में प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं तथा प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराय भावश्च। जब आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे तो क्या होगा, तो ईश्वर प्रणिधान से प्रत्येक चेतना का ज्ञान, मतलब आप ईश्वर की चेतना से जुड़ जाएंगे, जो भी ईश्वर प्रेरणा देगा आप उस प्रेरणा को ग्रहण कर पाएंगे, प्रत्येक चेतना का आप ईश्वर की चेतना का पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष लाभ ले पाएंगे। और दूसरा कहा विघ्नों का अभाव, आपके जीवन में फिर विघ्न नहीं आएंगे या कम आएंगे, इस प्रकार आप पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं ईश्वर प्राप्ति का। प्रत्येक चेतना अर्थात अंतरात्मा का साक्षात्कार होता है, स्वयं अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार भी कर लेंगे, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जिसे ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। और अंतराय जो 9 प्रकार के विघ्न हैं उनका भी नाश हो जाता है। अगले लेक्चर में हम 9 प्रकार के विघ्नों की भी चर्चा करेंगे। चलिए आज के ज्ञान सत्र के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।